दोस्तों, आप जब भी पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते होंगे तो शायद आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि पेट्रोल मीटर पर रेट और लीटर्स के अलावा एक डेंसिटी का भी मीटर होता है। लेकिन ये क्यों होता है, ये हम में से शायद कोई भी नहीं जानता होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्यों होता है। आपको बता दें, दरअसल ये जो डेंसिटी का मीटर होता है, ये लोगों को ये जानने में मदद करता है कि पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है और उसमें कोई मिलावट है या नहीं। कई लोग पेट्रोल में सॉल्वेंट मिला देते हैं, इससे पेट्रोल मिलावटी होने के बावजूद दाग नहीं छोड़ता। ऐसे में आप डेंसिटी जार से पेट्रोल की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अगर ये मीटर 730 से 800 के बीच में होता है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर ये 730 से कम है तो पक्का इसमें मिलावट की गई है। वहीं दूसरी तरफ डीजल की डेंसिटी 830 से 900 के बीच होती है, लेकिन अगर ये 830 से कम है तो ऐसा पॉसिबल है कि डीजल में मिलावट की गई है। अब से जब भी आप अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं तो रेट और लीटर्स को चेक करने के साथ साथ इसकी डेंसिटी को भी ध्यान से चेक कर लें। हर पेट्रोल पंप पर कंपनी के अधिकारियों का नंबर लिखा होता है। मिलावट होने पर आप सीधे अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप ये वीडियो देखने से पहले इसके बारे में जानते थे, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।